Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question number 1 and 2 of exercise 3.3. Question 1 mein diya hua hai, in which quadrant or on which axis do each of the point minus 2, 4, 3, minus 1, minus 1, 0, 1, 2 and minus 3, minus 5 lie? Verify your answer by locating them on the coordinate plane. से कोऑर्डिनेट प्लेन हमने शो किया हुआ है, तो देखिएगा स्टूडेंट फिगर में x डैश ओ एक्स इज द x एक्सिस एंड y ओ y डैश इज द y एक्सिस. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये इस पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट. सो दिस विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, एंड दिस सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब पॉइंट ले लेते हैं. पॉइंट है हमारा माइनस टू कॉमा फोर. सो माइनस टू का मतलब माइनस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, यानी ओ एक्स डैश पर. माइनस टू यूनिट हमने ले लिया, देन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी 4, पॉजिटिव 4 मींस ओ वाई एक्सिस के पैरेलल 4 यूनिट, 1 2 3 4 यहां पर ये आएगा. सो दिस पॉइंट विल बी हियर, ये हमने लोकेट कर दिया, इसका नाम हम दे देते हैं, लेट दिस पॉइंट बी ए. सो ए पॉइंट हमने लोकेट कर दिया, ए पॉइंट विल बी माइनस 2 4. दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, उसको 3 माइनस 1 से डिनोट कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं. तो 3 माइनस 1 का मतलब यानी ओ एक्स एक्सिस पर 3 इज पॉजिटिव, तो मींस ओ एक्स एक्सिस पर हमने 3 यूनिट चलना है. 3 यूनिट मूव कर गए ओ एक्स एक्सिस पर, देन माइनस 1, माइनस 1 का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी ओ वाई डैश साइड में, ओ वाई डैश एक्सिस पर माइनस 1 हमने मूव करना है. तो एक्स एक्सिस पर हमने 3 यूनिट मूव किया और ओ वाई डैश एक्सिस पर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो y डैश एक्सिस पर नेगेटिव है, मींस माइनस 1 मूव किए तो पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो यहाँ होगी. ये पॉइंट b हमने लोकेट कर दिया. तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं c माइनस 1 कॉमा 0. तो पहले हमने माइनस 1 यानी ओ एक्स एक्सिस पर हमने चलना पड़ेगा. तो ओ एक्स एक्सिस पर हमने माइनस 1 मूव किया, देन 0 का मतलब वर्टिकल एक्सिस पर मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस. तो इसकी जो पोजीशन होगी माइनस 1 0 की, वो माइनस 1 0 की पोजीशन होगी एक्स एक्सिस पर ही. ये हम पॉइंट सी रख देते हैं. और पॉइंट डी के लिए, पॉइंट डी हम मान लेते हैं कि 1 कॉमा 2 है. सो एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट मूव किया और ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हमने 2 यूनिट मूव करना है. सो इसकी जो लोकेशन होगी डी पॉइंट की इधर होगी, ये फिगर में आप देख पा रहे हैं. देन पॉइंट इज ई, रख लेते हैं इसका नाम -3 -5, मतलब एक्स एक्सिस पर हमने -3 यानी ओ एक्स एक्सिस पर चलना पड़ेगा, -3 यूनिट मूव किया और -5 का मतलब ओ वाई एक्स एक्सिस पर हमने मूव करना है. तो -3 कॉमा -5 विल बी हियर. सो दिस पॉइंट विल बी हियर, मेंशन हमने कर दिया -3 कॉमा 5. सो दिस पॉइंट इज ई. अब हमने देखिएगा क्वाड्रेंट भी बताना है. तो एक पॉइंट कहां पर है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट. इसी तरह से बी पॉइंट कहां पर है, बी की पोजीशन देख लेते हैं. बी हमने लोकेट किया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सी पोजीशन, सी की पोजीशन जो है वो ऑन एक्स एक्सिस. डी की जो पोजीशन है 1 कॉमा 2, D is in first coordinate, first quadrant, sorry.
एंड जो पोजीशन है ई की, ई देख लेते हैं कहां पर है, ई की पोजीशन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है कि प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस. तो ये प्लेन हमने कार्टेशियन प्लेन शो किया हुआ है, एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश ओ, ओ इज द ओरिजिन, एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस एंड दूसरा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो वाई ओ वाई डैश है. ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो जीरो होंगे. और देखिएगा स्टूडेंट क्योंकि एक्स और वाई यानी पहला पॉइंट हमने लिया हुआ है माइनस टू कॉमा एट, इस पॉइंट को हमने प्लॉट करना है. सो माइनस टू कॉमा एट मीन्स एक्स एक्सिस पर माइनस टू यानी ओ एक्स एक्सिस माइनस टू, ओ एक्स एक्सिस पर हमने ओ एक्स डैश एक्सिस पर माइनस टू मूव करना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में ओरिजिनल लाइन पर माइनस टू एंड देन पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्टिकल एक्सिस पर एट यूनिट मूव करना पड़ेगा यानी वाई एक्सिस के पैरेलल प्लस एट मूवमेंट करना पड़ेगा ओ वाई एक्सिस के पैरेलल. सो माइनस टू कॉमा एट की जो पोजीशन होगी देखिएगा वो हम प्लॉट कर देते हैं. माइनस टू कॉमा एट, माइनस टू कॉमा एट विल बी हियर, ये पॉइंट हमने शो कर दिया. दिस विल बी माइनस टू कॉमा एट, यहां पर लिख देते हैं. सिमिलरली माइनस वन कॉमा सेवन, माइनस वन कॉमा सेवन मीन्स हमने माइनस वन ओरिजिनल लाइन पर नेगेटिव चलना है मीन्स ओरिजिन से ओ एक्स डेक्सिस के अलोंग हमने यानी ओ एक्स डैश एक्सिस पर माइनस वन मूव करना है. देन सेवन मूव करना है हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मीन्स ओ वाई एक्सिस के पैरेलल. सो माइनस वन कॉमा सेवन विल बी हियर, दिस विल बी माइनस वन कॉमा सेवन, दिस विल बी माइनस वन कॉमा सेवन. प्लीज मेक ए करेक्शन हियर क्योंकि माइनस टू कॉमा एट, एट इज हियर. सो ये पॉइंट देखिएगा माइनस टू कॉमा एट विल बी हियर, माइनस टू कॉमा एट क्योंकि एक्स एक्सिस पर देखिएगा माइनस टू देन एट ऑन द वाई एक्सिस ओ वाई एक्सिस, सो दिस इज एट. सो दिस पॉइंट विल बी माइनस टू कॉमा एट, ओके. एंड माइनस वन कॉमा सेवन मीन्स माइनस वन ओ एक्स एक्सिस पर देन वाई एक्सिस के पैरेलल ओ वाई एक्सिस पर हमने सेवन मूव करना है. सो दिस विल बी द पॉइंट. सो ये पॉइंट नहीं है, मेक ए करेक्शन हियर. नाउ थर्ड पॉइंट इज जीरो कॉमा माइनस 1.25. जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पर देर इज नो मूवमेंट एंड वाई एक्सिस पर माइनस 1.25 मींस ओ वाई एक्स ओ वाई डैश एक्सिस पर हमने माइनस 1.25 मूव करना पड़ेगा यानी 1.25 ओ वाई एक्स डैश ओ वाई डैश एक्सिस पर. सो इसकी जो लोकेशन होगी माइनस 1.25 यहां होगी, यहां कहीं. तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, ओ वाई डैश एक्सिस पर होगा एक्चुअली. सो 1.3 एक्स एक्सिस पर हमने 1 मूव करना है. सो हियर 1 मूव करना है देन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव करना है यानी ओ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ओ वाई एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट. सो दिस पॉइंट विल बी 1.3. Now, next is 3.1 means x-axis पर हमने 3 move करना है. x-axis पर 3 move कर गए, 0, 1, 2, 3 यहाँ move कर गए. Then minus 1 यानी O by dash axis के parallel minus 1 move कर लिया हमने. So point will be here. तो इन points के हम नाम रख देते हैं. पहले point का हमने क्योंकि minus 2.8 है, minus 2.8 is this point. So this point is A and minus 1.7
7 माइनस 1 कॉमा 7 इज दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट 0 कॉमा माइनस 1.25 इज ऑन वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज सी एंड द 1 कॉमा 3 इज हियर, दिस पॉइंट इज डी एंड 3 कॉमा माइनस 1 इज हियर, दिस पॉइंट लेट इट बी ई. Thank you for watching Tiwari Academy.